अगर किसी व्यक्ति के अंदर अपने काम के प्रति लगाव, पैशन, दृढ़ संकल्प और कुछ नया करने की बर्निंग डिजायर है, तो वह बिना पैसों के और बिना किसी डिग्री डिप्लोमा के भी अपने सपनों को साकार कर सकता है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। यह बात सही साबित होती है 14 वर्ष के सुहास गोपीनाथ पर, जिन्होंने अपनी खेलने कूदने की उम्र में खुद की कंपनी खड़ी की और दुनिया का सबसे कम उम्र का CEO बनकर आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया ने बिल गेट्स ऑफ इंडिया का टाइटल दिया है, क्योंकि सुहास की प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत बिल गेट्स ही हैं और वो उनकी ही तरह बनना चाहते हैं। सुहास का जन्म 4 नवंबर 1986 में बेंगलोर के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। इनके फादर इंडियन आर्मी में एक साइंटिस्ट थे, जिससे इनकी स्कूली शिक्षा बेंगलोर के एयरफोर्स स्कूल में हुई। बचपन में जब उनके कुछ बड़े घर के दोस्त कंप्यूटर के बारे में चर्चा करते थे, तो उनके मन में भी कंप्यूटर चलाने की उत्सुकता हुआ करती। लेकिन उस समय उनके घर पर कंप्यूटर नहीं था और ना ही वो कंप्यूटर अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए उन्होंने घर के पास एक साइबर कैफे ज्वाइन किया। उस समय उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने सिर्फ 15 रुपये मिलते थे, जिनसे रोजाना कैफे जाकर नेट सर्फिंग नहीं की जा सकती थी। तब एक बार उन्होंने कैफे के बारे में एक चीज नोटिस की कि वह कैफे रोजाना 1 से 4 बजे बंद रहता था। तब उन्होंने कैफे मालिक से एक प्रस्ताव रखा कि 1 से 4 बजे वह कैफे खोलेंगे और आने वाले सभी ग्राहकों का ध्यान रखेंगे और इसके बदले वह उन्हें फ्री में नेट सर्फिंग करने दें। कैफे ओनर को उनका यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने उनकी बात मान ली। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इंटरनेट को अपना पैशन बना लिया और कैफे में काम करते करते उन्होंने कैफे ओनर से वेब डिजाइनिंग के बारे में जाना, जो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और 13 वर्ष की उम्र में ही वे एक फ्रीलांस मार्केट पर वेब बिल्डर के रूप में रजिस्टर हो गए, जिसमें पहली वेबसाइट उन्हें फ्री में बनानी पड़ी क्योंकि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था, और दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए उन्हें $100 मिले, जो उनकी पहली कमाई थी। उसके बाद कई कंपनियां उन्हें अपना वेब डिजाइनर बनाने के लिए अप्रोच करने लगी, लेकिन उन्होंने वो सभी ऑफर ठुकरा दिए क्योंकि वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे। लेकिन इंडिया में 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी नहीं खोल सकता, इसलिए उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया से अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया और सन 2000 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी कंपनी ग्लोबल INC की शुरुआत की। कंपनी के काम की वजह से 10वीं में एक बार फेल हो चुके सुहास ने कंपनी के साथ साथ अपने पेरेंट्स के कहने पर इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन बिल गेट्स की तरह उसे कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि उस समय वर्ल्ड बैंक ने उन्हें बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए इन्वाइट किया था, जिसमें वो अकेले भारतीय थे और वहां उन्हें वर्ल्ड बैंक के ICT एडवाइजरी काउंसिल के बोर्ड मेंबर के रूप में चुना गया। एक छोटे से साइबर कैफे से शुरू की गई उनकी कंपनी आज $multi-million कंपनी बन चुकी है, जो दुनिया के कई देशों में फैली हुई है। इतनी छोटी उम्र में काम के प्रति लगन और मेहनत के चलते 2007 में उन्हें यंग अचीवर अवार्ड और 2009 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स के सम्मान से नवाजा गया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दुनिया के सबसे कम उम्र के CEO के रूप में दर्ज किया गया।